हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अक्रूअल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का इस टॉपिक को कवर करते हैं। डिफरेंसेस का बेसिस, पहला अक्रूअल बेसिस, दूसरा कैश बेसिस। तो बेसिस में पहला बेसिस कहा गया है कि प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अन अक्रूड इनकम इन बैलेंस शीट। आप देख रहे हैं, तो अक्रूअल बेसिस में कहा गया है देयर मे बी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अक्रूड अन अक्रूड इनकम्स इन द बैलेंस शीट। और कैश बेसिस में बोला गया है कि देयर इज नो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड अन अक्रूड इनकम्स। देखिए, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि अगर आपने कैश में ट्रांजेक्शन्स किए हैं या क्रेडिट में किए हैं तो वो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। और कैश बेसिस की बात करें तो सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने महीने भर काम किया और आपको सैलरी अभी तक मिली नहीं है, आप इसे अक्रूअल बेसिस में लिखिएगा जरूर, लेकिन आप इसे कैश बेसिस में नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तक आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है, अभी आपको सैलरी कैश में रिसीव नहीं हुई है। तो जिस मोमेंट पे आपको कैश में रिसीव होगा आप कैश बेसिस में उसकी एंट्री करेंगे। और अगर मैं अक्रूअल की बात करूं, क्योंकि आपने अर्न कर लिया है और सिर्फ रिसीव नहीं हुआ है, तो इसे हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लिखेंगे। तो जो पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखिए प्रीपेड का मतलब टाइम से पहले पे कर देना, आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ अ लायबिलिटी, खर्चा है। अनअक्रूड इनकम इन बैलेंस शीट, तो ये चीजें हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्चुअली में मेंशन करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में इसको हम मेंशन नहीं करते हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं हायर इनकम या लोअर इनकम इन द केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअक्रूड इनकम। तो इन्होंने बोला हायर इनकम भी हो सकती है, लोअर इनकम भी हो सकती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं अक्रूड इनकम की कैटेगरी में। तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि इनकम स्टेटमेंट में शो रिलेटिवली हायर इनकम, इनकम स्टेटमेंट आपको हायर इनकम दिखाएगा क्योंकि आपने इनकम अर्न कर लिया है, रिसीव नहीं किया है, क्योंकि अर्न कर लिया है तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, आप वो एक तरीके से आपका असेट है, इसे आप मेंशन जरूर करेंगे। लेकिन कैश बेसिस की अगर बात करें तो इनकम स्टेटमेंट विल शो लोअर इनकम्स, रीजन ये है क्योंकि अभी तक आपने अपनी सैलरी को कैश के फॉर्म पे रिसीव नहीं किया है। जिस मोमेंट पे आप रिसीव करेंगे उस मोमेंट पे आप एंट्री करेंगे, लेकिन अक्रूअल बेसिस में एंट्री करनी पड़ेगी। तो अक्रूअल बेसिस में जो स्टेटमेंट है वो हायर इनकम शो करेगा और कैश बेसिस वाला कंपैरेटिवली लो इनकम शो करेगा। अगला है थर्ड पॉइंट जो डिफरेंस का है, दैट इज हायर इनकम और लोअर इनकम इन द केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअक्रूड इनकम। अब अनअक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो कैटेगरी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप समझ रहे हैं कि हमें कोई भी लायबिलिटी पे करनी थी, लायबिलिटी का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है, ये तो आप भी जानते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आप ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको किसी को सैलरी देनी है और आपने पे ऑफ नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी होगी, आज नहीं तो कल आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। अक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी इनकम कम शो की जाती है क्योंकि अक्रूअल बेसिस में हम दिखा देते हैं कि हाँ हमने पे कर दिया, लेकिन कैश बेसिस में जब तक कैश आपके पास से जाएगा नहीं तब तक आप उसे शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैश बेसिस अकाउंटिंग में कैश से रिलेटेड ही सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो कैश बहुत जरूरी है इसमें। तो कैश बेसिस में इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो इनकम होती है वो हाई शो की जाती है और यहाँ पे अक्रूअल बेसिस में कंपैरेटिवली लो शो की जाती है, क्योंकि अक्रूअल बेसिस में हम शो कर देते हैं कि हमने दे दिया। अक्रूअल बेसिस अगर हम अकाउंटिंग का फॉलो करेंगे तो हम शो कर देते हैं, तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग नाम की चीज नहीं होती, भले कैश गया हो ना गया हो अक्रूअल बेसिस, लेकिन कैश बेसिस में जब तक आपके पास से कैश नहीं जाएगा आप शो नहीं कर सकते। तो जब तक कैश का पेमेंट नहीं है तो आउटस्टैंडिंग और आपकी इनकम बढ़ी हुई दिखाई देगी। लास्ट वाला बोला गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस टू एन अकाउंटेंट टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स बाय वे ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल मेथड आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, फीफो, लीफो, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, ये सारे के सारे मेथड्स। इन्होंने बोला कि अक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में अकाउंटेंट के पास क्या ये ऑप्शन होता है कि वो अपने मर्जी से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करे, बदल दे। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है,
SLM ये depreciation का method है, straight line method, WDB, तो WDV is written down value method, ये भी depreciation का है, तो accountant के पास accrual basis में इसका एक option होता है कि वो अपने हिसाब से manipulate कर ले, लेकिन cash basis में accountant के पास कोई option नहीं होता manipulation का. तो ये चार differences थे accrual basis और cash basis के. होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.